हेलो जी कहाँ हो? जहाँ फोन किया रशीद आर्मी वाज सो कंफ्यूज्ड कफ्यू क्या क्लासे प्रेसिडेंट बुला सोजने प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना नाम इसो के बेरे ना क्रूगोई पता नहीं कुछ अजीब सा लिखा जैसे वोडका की बोतल पर लिखा होता है वोडका वोडका मेरा गला सूख रहा है सिगरेट सिगरेट तुम अभी भी सिगरेट पी रहे हो मुझे सिगरेट चाहिए मैं बाद में फोन करूंगा के Что нужно? Сигарет. Что? Сигарет. Президентом объявлен запрет на курение. 33 летальные смерти в ходе массовых беспорядков. Саня Мирза победила Марию Шарапову. Сборная игры в крикет Индии победила в мировом чемпионате мира. А теперь подробно. Обнаружено, что на рынок сбыта террористами были внедрены сигареты, содержание которых является цианид. Указ президента на запрет о курении является мерой контроля за несчастными случаями. Курильщики озлоблены и озабочены. Они требуют от компаний-производителей сигарет максимально выгодных и сохранных условий. Члены правого крыла курильщиков разворачивают свои акции на улицах городов Москвы и Санкт-Петербурга. Тяжелые погодные условия. Иван, садись. Стой, стрелять буду! Стой! Oh.
хочет. Кей, open the door, Кей. दरवाजा खोलो. Yeah. Hey, दरवाजा खोलो. Yeah. के तुम ठीक तो हो? जवाब क्यों नहीं देते? हाँ खोल रहा हूँ. जल्दी बाहर आओ, गेस्ट आने वाले हैं. मतलब क्या है मेरे सपने का? सिगरेट की तुम्हें इतनी बुरी तरह आदत पड़ गई है कि तुम्हें डर लगने लगा है कि किसी दिन नहीं मिली तो. लेकिन वो बात का बीच फर्क में क्या कर रहा है? पता नहीं. अगर किसी दिन तुम सिगरेट के पैकेट के बजाय उसमें कूद जाओ तो शायद कोई और रास्ता निकल आए. शीशा टूट जाएगा के. तुम बाथरूम में सिगरेट क्यों पीते हो? तुम बेडरूम में किस होती हो? क्या हो गया था? कुछ नहीं. फिर से साइबेरिया गए थे? सब तुम्हारी सिगरेट की वजह से है. तुम्हारा वीजा भी जल्दी लगने वाला है. प्लीज बेडरूम में धुआं जा रहा है. तुम जाके तैयार हो ना, गेस्ट आने वाले. Nobody tells me what to do. Nobody tells me what to do. Nobody tells me what to do. आदमी एवरेस्ट पे जाता है तो सब ताली बजाते हैं. वो पहली बार चढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है. रस्सी टूट सकती है, वो बर्फ में दब के मर सकता है. सबको मालूम है कि वो मर सकता है, फिर भी फ्रंट पेज पे छापते हैं. एक्सीडेंट से रोज कितने लोग मरते हैं फिर भी गाड़ी चलाते हैं. साला गाड़ी चलाना बैन करो, पेट्रोल बैन करो. ये लोग सिर्फ सिगरेट को ही क्यों बैन करते हैं? क्योंकि छोटी सी है बेचारी, कुछ बोल नहीं सकती इसलिए. तुमने उसे सिगरेट पीते हुए देखा है? किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, बेड में, घर में चम्मच से ज्यादा तो एस्ट्रे है. बस बस, सिगरेट तो विकास भी पीता था, मैंने छुड़वा दी. एक आदमी है बाबा, सिर्फ वही कारण नहीं है. और क्या प्रॉब्लम है? रिलीजियस डिफरेंसेस. ही थिंक्स ही इज गॉड, आई थिंक ही इज रियली बैड. आस्तमा मेरे भाई पर, मुझे नहीं. सुना है हॉस्पिटल में राइट लंग निकाला है, इन्फेक्शन था. और के घर में सिगरेट पीता है? सच में
मेरे माँ बाप की शादी के 6 महीने बाद तलाक हो गया। क्या बात कर रहे हैं? फिर मैं पैदा हुआ, उन्होंने दोबारा शादी की। शादी के 2 साल बाद मेरे बाप को रियलाइज़ हुआ कि मैं तलाक के 1 साल बाद पैदा हुआ, उनका फिर से तलाक हो गया। सैड। तो तेरा भाई कब हुआ, दूसरी शादी में या दूसरे डिवोर्स के बाद? तो मतलब वो तेरा सगा भाई नहीं है? है। कैसे? देख, पहले शादी, फिर डिवोर्स, फिर तू, फिर शादी, फिर डिवोर्स, फिर वो। तो मतलब वो तेरा सगा भाई नहीं हो सकता? तूने उसे बताया कि तू उसे छोड़ना चाहती है? नहीं। उसे पता है कि तू उसे छोड़ना चाहती है? इतना सेंसिटिव होता तो छोड़ती मैं उसे। हाय। हाय। चले। सीट भी नहीं है, बाहर आ जाओ। गलत बात आगे नहीं है, इस जमीन नॉन स्मोकिंग रेस्टोरेंट है, उनको सब पे सीलिंग लगा देनी चाहिए। मैं सिर्फ आरके डिंगरा, राजेंद्र कुमार डिंगरा। आप ज्यादा बात नहीं करते हो, आप सोचने वाले टाइप में हो। मैं भी बहुत सोचता हूँ, जैसे कि आपके अब आए ना, उससे पहले मैं ये सोच रहा था। तो बातें कर लेने में ना के बस। देखो अरे तू यहाँ बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा था यार। ये का? नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा। नाटक मत कर यार, ये ले पी। नहीं नहीं मैं के मैंने छोड़ दिया। मेरी बात मान तो, तू भी छोड़ दे सिगरेट। अरे मेरी बीवी मत बने, तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। आज मिला है, चल एक सिगरेट शेयर कर ना। नहीं मैं नहीं पीऊंगा के। जो सोचना आपको वहाँ जाकर सोचिए प्लीज। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ग्लव्स क्यों पहन रखी है? ओ ऐसे ही, एक्सीडेंट में मेरी उंगलियाँ चली गई। व्हाट? क्या बकवास कर रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं? अरे होता है यार। माय गॉड, और कान में क्या पहन रखा है? ओ ऐसे ही, वो थोड़ी हेयरिंग की प्रॉब्लम है मेरे को। तुमने सिगरेट छोड़ दी? हाँ मैंने छोड़ दी सिगरेट। वेरी गुड, बट वेरी गुड। अभी पिएगा ले। ए, नहीं के, स्टॉप इट। जल्दी से सीधे तेरे मुंह पे लगा दे। जबरदस्ती पिलाऊंगा। ज्यादा बोलता है तुम क्यों जानना चाहती हो मुझे? के नहीं छोड़ने वाला है। अगर तुम सच में छुड़वाना चाहती हो उसकी सिगरेट तो ये लो, प्रयोगशाला का कार्ड है। इट्स अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, दे आर प्रोफेशनल्स। मैं बिल्कुल मन नहीं करता फिर। नहीं कभी नहीं, नेवर। थैंक्स, थैंक यू। अब अंजलि, एक्चुअली आई एम मीटिंग समवन, आई विल गो। या बाय बाय बाय। थैंक्स। तुम सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते? कम से कम नहीं तो 100 बार छोड़ चुका हूँ। उसे छोड़ना नहीं कहते। तो छोड़ना किसे कहते हैं? जैसे मेरे माँ बाप ने एक दूसरे को छोड़ा था। हाँ मैं कुछ नहीं छोड़ता, छोड़ते वो जिनसे पकड़ी नहीं जाती। अगर ऐसा हो कि तुम्हें ही इससे नफरत हो जाए तो? अरे
सो रही हो? नाराज हो? टर्न द साइड नाउ. नो नो ओके. कम ऑन. ओके. कम ऑन. के सॉरी. अब मैं सो जाओ. ओके सो जाओ. ये क्या है? वो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार रहे हैं. ये कार्ड है. इट सेज कलकत्ता कैपिट्स. अब्बास ने दिया था लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है. उसका कार्ड है. दरी बेचता है आजकल. रिहैबिलिटेशन सेंटर है. लोगों के पास कोई काम नहीं बचा करने को. अब्बास की उन्होंने छुड़वाई थी. उसी ने तुम्हें सिगरेट पीने सिखाया था ना? मुझे किसी ने सिगरेट पीना नहीं सिखाया. मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया. बस पीता हूँ. और अब्बास ने जब भी मुझे मेरी पहली सिगरेट दी थी ना, माचिस मैंने अपने जेब से निकाली थी. वॉच योर टीवी. अंजलि. ब्रेकफास्ट? यस सर. आई एम सॉरी, मैं भूल गया. इस बार एनिवर्सरी पे क्या चाहिए तुम्हें? डिवोर्स. इतना बजट नहीं है मेरा. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world. मैं बचपना नहीं कर रही हूँ. It's not my fault if I look like a girl. I'm 28 for God's sake. मैंने decide कर लिया तो कर. I'll call you later. Inky, Dinky, Donkey. Father had a donkey. Donkey died. Father cried. Inky, Pinky, Donkey. Sorry, Kay. उसे जरा हायर अल्टीट्यूड पर ले जा. योगा करवा, प्राणायाम करवा. तू सिगरेट बहुत पीता है. तो तुम्हारे भाई के लिए अच्छा नहीं है. बाकी मर्जी तुम्हारी है. मैं लेक्चर नहीं दूंगा. गुड. तुम ये हमेशा काले चश्मे क्यों पहनते हो? तुम्हारे कान में हमेशा मशीन की लगा रहता है. एक
कंपनी है, एजेंसी, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, प्रयोगशाला। हैं? तुम्हें पता है? मुझे पता नहीं था। याद है हम साथ में सिगरेट पिया करते थे? बहरे होने के बाद छोड़ी ना। तू एक बार ट्राई तो करके देख। 100% स्मोक प्रूफ प्रोग्राम है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दांत खाद, खुजली, कमजोरी, हर चीज का इलाज करते हैं गुरुजी बाबा बंगाली। तू बस एक बार उनके पास चला जा, उसके बाद तेरी मर्जी है। सोचता हूँ। पर इसमें सोचने वाली क्या बात है? तू कहीं तो तेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लूं। भाई को कभी ले जा सकता हूँ? कभी नहीं। फिर कभी? तभी जब सभी ठीक हो जाएगा। जाओगे कहाँ? प्रयोगशाला। मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, जस्ट कॉल मी। मुझे बताना इफ यू वांट टू गो टू प्रयोगशाला। थैंक यू, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Will you please stop smoking? Take the stairs. What? Thank you. Stupid idiot. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. हनी कहाँ? सर उसका फोन आया था, आज काम पे नहीं आएगी। Take me away from here. I'm full to be in love with you. You fill my lungs with your billows of smoke, a victim of your point of view. But don't you forget, you're just a cigarette. Oh, it's just a cigarette. Anjali! Anjali! Hello. Where are you? Home. You're not home. कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, अपने घर में। तुम्हारा घर ये है? वो तुम्हारा घर है जी। तुम्हें सिगरेट जलाओ, गद्दे जलाओ, पूरे घर को आश्रय बना दो, जो करना है वहाँ करो। You're leaving me? I've left you. How can you leave me? Nobody leaves me. I am nobody, Kay. That's why I've left you. तेरी बिल्कुल नहीं सुलगती है जब कोई सुलगाता है ना। कि एक बार जाके तो देख यार, मैं भी सिर्फ देखने गया था, सिगरेट छोड़ के बाहर निकला था। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तू मुझे बता ना, मैं लूंगा तेरे लिए अपॉइंटमेंट। कब जाना चाहता है तू? अभी। राइट नाउ? टू स्वीट। तुझे पता है ना कहाँ जाना है? कार्ड है मेरे पास। कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। ओके, मैं उनको अभी फोन करता हूँ। बाय। हेलो, प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? देखिए, मैं अब्बास टायर वाला बोल रहा हूँ। मैं एक और मरीज भेजना चाहता हूँ। अब्बास कौन सा वाला? टायर वाला। जी हाँ जनाब। हाँ, उसका नाम नहीं, लेकिन उससे पहले मेरी उंगली। देखिए, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं। जब आपका रिफर किया हुआ मरीज अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देगा, आपका पार्सल आपको मिल जाएगा। नहीं ठीक है, इट्स ओके। अपना ट्रैकिंग नंबर लिखिए। एक मिनट, होल्ड कर, एक मिनट। ए वेटर, इधर आओ। उठा लो, जा रहा है। हेलो, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ।
आई स्वेयर प्लीज वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। क्या ओके तुम आ रही हो? तुम जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। मैं आ रही हूँ। थैंक्स। छुट्टा नहीं है मेरे पास, है ना? तो रख ले, काम में आएगा। ये प्रयोगशाला कहाँ है? वहाँ उधर। चाचा तेल की दुकान है, दरी की दुकान है, क्या है? प्रयोगशाला का है। अरे वाह, जाना है। नहीं जाना है तो बंद कर देता हूं। एक सेकंड। प्रयोगशाला कहाँ? बिलो। माँ जी, ये प्रयोगशाला कहाँ पर है? नीचे है बेटा। शुक्रिया।
ये प्रयोगशाला कहाँ पर है? और नीचे। अभी इससे भी नीचे और कुछ है? यहाँ खत्म हो जाता है। और नीचे जाओ। यहाँ लिफ्ट लगा देते क्या हो जाता? इधर जाओ या उधर जाओ? उस तरफ। हेलो, ये प्रयोगशाला कहाँ पे? आदाब। नहीं, प्रयोगशाला। अब्बास साहब ने भेजा होगा आपको। आइए। आइए। वो लोग कौन थे? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आदा, गुरुजी वहाँ बैठते। गुरुजी वहाँ बैठते होंगे, लेकिन वो लोग कौन थे जो मुझे देख रहे थे? यहाँ पे एक लेवल पे कुछ नहीं बनता। आदा, आइए। बैठिए। अंदर क्या हो रहा है? बैठिए। ये गुरुजी कौन है? श्री 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 गुरु घंटाल बाबा बंगाली सियालदा वाले आ रहे हैं, वेट कीजिए। बोलिए। मेरा नाम के है। ये स्मोकिंग छोड़ना चाहता है? जी। छुड़वा देंगे? जी, मैं बस देखने आया था। यहाँ जो आता है वो देखने नहीं, धूम्रपान छोड़कर यही दफना कर जाता है। सिगरेट, गुड़का, बीड़ी, तंबाकू, भस्म, चारों का इलाज है बाबा बंगाली के पास। कैसे छुड़वाते? सर पे बंदूक रखे? बंदूक की जरूरत उठाए गिरे को डकैतों को पड़ती है, हमको नहीं। चौरसिया तो जी, सरकार को कॉन्ट्रैक्ट दिखाया? नहीं गुरुजी। तो फिर यहां खड़े रहने से तुम्हारी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी, दिखाइए हमें इनको कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी गुरुजी। पूरा पढ़ना पड़ेगा? अगर हिंदी समझ में ना आए तो अंग्रेजी में भी है, गाइड फॉर डमीज। काफी मोटा है। अगर संक्षिप्त में देखना चाहते हैं तो हमारे पास राजगोपालाचारी भी है, पॉकेट एडिशन। दिखाइए ना। हाँ जी। पढ़िए। I hereby agree to do whatever I'm asked to do in order to successfully quit smoking.
I'm getting into this program knowing exactly the risk of my smoking will pose to me and my family. Thanks. Okay. मतलब कि जो हम तुमको बोलेंगे वो ही तुम करोगे। लेकिन आप बोलेंगे क्या? पहले आप इस पे दस्तखत करोगे, बाद में बताएंगे। मैंने साइन कर दिया और आपने सर पर रिवॉल्वर रख दी तो? अरे सरकार, आप दस्तखत कीजिए ना, खाम खा बहस क्यों करते हैं? और अगर मैं नहीं करूं? क्या हो रहा है यार? छोड़ मुझे। क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, लेट मी गो, लेट मी गो। हे फैट्सो, आई एम टॉकिंग टू यू, लीव मी। क्या कर रहे हो? Let me go! तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? छोड़ो! Hey! Hey, let me go! हमारे इस धूम्रपान त्याग करने के कार्यक्रम के पहले चरण में तुम्हारा स्वागत है। क उठो, उठो। बम बोले इस हमारी प्रयोगशाला में ये हमारी जिम्मेदारी है, हैं? ये तुम्हारी ये सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा को, तुम्हारी ये गैर जिम्मेदाराना आदत को संपूर्ण तरह से खत्म कर दे। और अगर हम हमारी कोशिशों में चूके और तुम्हारा इलाज करने में असफल रहे तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है जिस पर कोई भी चलना पसंद नहीं करेगा। करेगा नहीं, क्योंकि बेटा आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो नश्वर है, खत्म। आत्मा, अंतर आत्मा चंचल होती है, धोखी होती है। अगर मन मजबूत है तो आत्मा पे काबू पा सकते हो, यदि मन कमजोर है तो ये बेकाबू आत्मा को फिर झाड़ फूंक कर मुक्त करना पड़ता है, लाजमी है। बस आत्मा तब पवित्र होती है जब मनुष्य जन्म, फिर धीरे धीरे मनुष्य उस आत्मा को मार देता है नशा कर करके। उस आत्मा के पुनः निर्माण के लिए हमें नियुक्त किया है। किसने किया? हमारे बड़े बाबा गुरुदेव बाबा बंगाली ने। लेकिन मार्च मत करो, प्रजातंत्र ऊपर है, वहां मृत्यु लोक में, वहां सबको अपनी बात कहने का हक बनता है। यहां तुम धरती से नीचे उतर कर आए हो पाताल घर में, यहां मेरा कहा पुराण है। इस पर तो तुम दस्तखत कर चुके हो, इस पर भी कर दो। ये तो मेरी चेकबुक है जी, 21,11,110। तुम्हारे इलाज की फीस 21,11,110 और एक रुपया, वो हमारी फीस है, लेकिन वो हम कैश में लेंगे। मेरी सिगरेट छुड़वाने की फीस 21 लाख। 21,11,110 बहुत मेहनत लगती है। मेरा दिमाग खराब हो गया ना, पैसे बांटने के लिए रखे ना मैंने 21 लाख। बार बार 21-21 बोलने से 20 नहीं हो जाएंगे, वो 21 ही रहेंगे। मतलब कोई गरीब छोड़ना चाहे उससे भी उतने ही लोग हैं। उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। दिस इज रॉबरी, यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, मेरी फीस तो सिर्फ 1 रुपया है, वो भी शगुन का है। पर धंधा मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं खोल रखा है, दान धर्म का काम है।
और तुम देखना, तुमने जो पैसा दिया है वो तुम्हारी दवाई में खर्च होगा। तुमको पता है तुम्हारी धूम्रपान की आदत की वजह से तुम कितना धन व्यर्थ कर चुके हो। जी जी गुरुजी। मारी है ना? हो जी। ये अब्बास ने जब पहली बार तुमको सिगरेट दी थी देखने के लिए, तब मचिसिया तुमने अपनी जेब से निकाली थी। उसका दाम तब था 50 पैसे। पनवाड़ी की दुकान तक जाने का तुम्हारा ईंधन का खर्चा, और माँ बाबूजी से छुपाने के लिए जो तुम मुखवास खरीदते थे मिंट, फिर सिगरेट पीते भी तो तुमने बम भोले शुरू कर दिया, और एक बार मिलावट वाला गांजा पीने से तुम्हारा बम भोले हो गया। तब अस्पताल ले जाने का तुम्हारा खर्चा हुआ था 1.5 लाख रुपया, तुम्हारा पेट साफ करने का। हर एस्ट्रे, माचिस, लाइटर, बीड़ी, मोटा बीड़ा, सिगार, हर खांसी जो तुम्हें सिगरेट से हुई, हर ग्लाइकोडिन, फेंसिडिल, स्टेपसिल, एरिथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन, हर बीमारी, हर भिन्न भिन्न किस्म की दवाइयां लेकर तुम्हारे फेफड़े को जो तुमने छिन्न भिन्न किया, वो तुम्हारा नुकसान अलग। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें धूम्रपान करने से रोका तो तुम मीटिंग स्थगित करके चले गए, वो तुम्हारा नुकसान। तुम्हारी पत्नी की बीमारी, तुम्हारे भाई के अस्थमा में तुम्हारा 30% हिस्सा है, और एक बार ये चीनी टाई जलाई थी 40,000 वाली, ये 4 बार गद्दे जलाए थे, वो नुकसान अलग। तुम्हारा धंधे का नुकसान हुआ अलग, करोड़ों का वो अलग, और अब जाके तुम्हारा नुकसान होता है 43,88,556.75। आज अगर इसे नहीं रोका गया तो अगले 7 सालों में तुम और उड़ाओगे। इससे निजात पाने के लिए ये है, कलम दीजिए ना। यस, ओके गुरुजी। कहां 43 लाख और कहां 21 लाख। और अगर मैं नहीं करूं तो? अबे नहीं तो कभी ना कभी तो करोगे ही। नहीं किया तो? अब बेटा जो तुमने पूछा वो सवाल का जवाब मैं एकदम से तो नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ गुरुजी। अरे तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? मैंने नहीं किया, तुमने करवाया है। तुम्हें पता मैं कौन हूँ? किस कहो कहवा कहो ये नहीं जानते, कौन कहो ये जानते हैं। मैं जा रहा हूँ। जाइए भाई, हम तो इलाज करते हैं, जबरदस्ती थोड़ी ना करते हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से? इसलिए कहता हूँ दस्तखत कर दीजिए, जीवन के सब रास्ते खुल जाएंगे। नहीं तो जैसे पहले दस्तखत लिया था वैसे दोबारा भी ले सकता। समस्या इतनी है कि इतनी जल्दी दूसरी बार तुम्हें वहां डाला तो फिर बचोगे ही नहीं, इसलिए कहता हूँ दस्तखत कर दो, बाद में स्टॉप पेमेंट करवा देना। साइन किया? अरे कलम दीजिए ना। मेरा 1 रुपया वो जो मैं कैश लेता हूं वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, अगली बार दे देना। तुम्हें क्या लगता है मैं वापस आने वाला हूं? अच्छा ना हो तो, लेकिन बेटा हर कोई आता, हमारे तजुर्बे में हर मरीज वापस आता है। सिगरेट बीमारी ऐसी है ना,
अब दो ही कदम यहाँ आ जाओ। आप आओ। आ जाओ बेटा, तुम्हारा इलाज अब शुरू हो चुका है, आओ। अगर मैं नहीं आया तो? आओगे नहीं तो फिर जाओगे कैसे? मतलब आज के बाद तुम सिगरेट नहीं पियोगे, छुप के भी। और अगर तुमने सिगरेट पी, पहले सिगरेट जो तुम सुलगाओगे, तो तुम्हारे भाई को अस्पताल से यहां लाकर, इका है जानते हो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर नाम का एक आदमी था, छोटी छोटी मुछ, चार्ली के चैपलिन जैसे, देखिए हमारा दोस्त था हिटलर। उन्होंने इजाद किया है गैस चैम्बर वा, और वो जो है ना, वो तुम्हारे डॉक्टर बाबू की अम्मा है, और ये जो धुआं है सब सिगरेट का धुआं है। आज तक जितनी हजारों सिगरेट तुमने पी है, वो सब का धुआं मिलाकर तुम्हारे भाई को 5 मिनट तक इसमें सांस लेनी पड़ेगी। अच्छे अच्छों के फेफड़े फट पड़े हैं इसमें, और तुम्हारे भाई का तो ऐसा सुना है एक ही है ना, अगर फिर भी मन नहीं माना और दूसरी सिगरेट तुमने सुलगाई तो प्लीज सर मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, मैं कसम खाता हूं सर, मैं अब एक उंगली से टाइप करते हैं सलाम नमस्ते MBBS। अरे मकबूल मैं हूं ना। और तीसरी सिगरेट जो तुमने सुलगाई तो बेटा अच्छी तरह से अपने धर्म पत्नी को मन में बसा लेना, क्योंकि फिर वो आंखों से ओझल हो जाएगी। और उसके बाद ही मन अगर नहीं माना और चौथी सुलगाई तो तुम्हारा भाई गैस चैम्बर में बचा तो वो, और अगर नहीं बचा तो तुम्हारी अम्मा माता जी को अच्छी तरह सीने से लगा लेना सुलगाने से पहले। और फिर भी तुम लातों के भूत निकले बेटा, तो बच्चों की जिद के आगे तो अकबर भी शहंशाह नहीं रहे। 5वीं सुलगा लेना और पी लेना जी भर के, कोई कुछ नहीं करेगा, ना ना कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर बेटा आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो नश्वर है। और शौक से थाने भी जा सकते हो, हमें मार भी सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, सिगरेट नहीं पी सकते। चलते हैं, आइए। पागल आप लोग, मैं यहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं आया था, मुझे सिगरेट नहीं छोड़नी है। क्या करोगे आप लोग? आप ऐसा नहीं कह सकते। आइए। कहां आइए? आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए। कहां चलिए? कौन है आप? आपका नाम क्या है? दिस इज इलीगल। मैं आपके बारे में कंप्लेन कर सकता हूं। मुझे सिगरेट नहीं छोड़नी है। क्या करोगे आप? अगर आपको वापस नहीं जाना है तो मैं जाऊं? ये बुर्का क्यों पहन रखा है? शक्ल दिखाई अपनी, शुभिया फेस। नमाज का वक्त हो गया है, दुकान भी बंद करनी है, आपका गलीचा आपके गाड़ी में चढ़ा दिया है, ये आपका बिल।
हेलो, मैं गया था कहाँ? प्रयोगशाला। मैंने देखा तुम्हारी माँ के साथ उन्होंने क्या किया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उनको कैसे पता चलेगा अगर मैंने सिगरेट पी तो? देखो कि ऐसी गलती मत करना, जो करना है करना, लेकिन ऐसी गलती मत करना। पता कैसे चलेगा? 24 घंटे तुम कैसे किसी पर नजर रख सकते हो? देखो, अगर अपने परिवार को अपने से पहले मरते हुए नहीं देखना चाहते तो हाथ मत लगाना। मेरी बात मानो, हाथ मत लगाना। हाथ क्या, मुंह लगाऊंगा अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो? खैर एक बात बताओ, तुम्हें वहां जाने के लिए किसी ने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लिया था? हाँ। अरे मैंने तुमसे कहा था कि अपॉइंटमेंट ले लूंगा। तुझे पहले ही कहा था मैं तुझे अपॉइंटमेंट लेकर दूंगा मेरे बाप वहां पर। मेरी मां बाप। आई थिंक यू आर लूजिंग अ डॉक्टर। तना मत करना, ये ठीक हो जाएगा कल तक, हो जाना चाहिए। ये लाइटर मेरे पास 2 महीने से है। मेरे पास माचिस थी शिप की, मैं भी था शिप पे, पोटा में 8 महीने के लिए अंदर कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? बस तुम्हारा नाम क्या है? राम। यार कार्पेट्स ऑफिस में निकलना। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। सब हम पिछले 2 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं।
वो ड्राइवर कहाँ है? सब वो बाथरूम गया। बाथरूम गया है। उसको ऊपर बुलाओ। अभी ला। ये चश्मा क्यों पहन रखा है? साहब हमको हाँ खा गई है। उतारो उसे। वो ड्राइवर कहाँ है यार? साहब वो कहीं मिल नहीं रहा है। अभी दोबारा कोशिश करके आपके पास भेजता हूँ सर ऊपर। तुम्हारा कोई भाई भी है? सब हमको मिला के 9 जन हैं। सब भाई बहन, एक बहन हमारे पास है बस। अरे वो ड्राइवर को बुलाना यार। सब हुआ क्या? हमसे कोई गलती हुई साहब? वो ड्राइवर को ऊपर भेजना साहब। और तुम भी आ जाना। जी साहब। क्या मजाक है जी? तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा सर? ये चश्मा क्यों पहन रखा है? उतारो से। तुमको बाबा बंगाली ने भेजा ना? बाबा बंगाली? कौन बाबा बंगाली सर? देखो नाटक मत करना मेरे साथ। तुम लोग जो खेल खेल रहे हो मेरे साथ, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी क्या गलती है सर? मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। सर एनी प्रॉब्लम्स? ये आदमी कौन है? कौन हो आप? मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम योर ऑफिस। आई वॉज सपोज टू मीट सम मिस्टर सम ए बी सम अल्फाबेट। आपके कान में क्या है? इयररिंग। इट्स आप इतने परेशान क्यों हैं? दिमाग खराब हो गया। बेबी तूने फोन किया था? तुझे पता था साले, तेरी उंगलियां कट गई, मेरी भी कटवाना चाहता है। What the hell do you think you're doing? हंस क्यों रहा है? अरे वो बात नहीं है यार के। मैं बस वही कर रहा था जो मुझे करने को बोला गया था। क्या बोला करने को? हंसने को? के stop it यार। मैं तुझे नहीं बता सकता। और मेरी बात मान तो तू भी। किसी से बात मत कर। वो साला श्री 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 बाबा बंगाली महागुरु घंटेश्वर है। वो कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साले। I won't let you go। के? क्या हुआ? के? तू ठीक तो है ना? के? मैं ठीक हूँ। वो भी क्या दिन थे यार, जब हम कहीं भी सिगरेट पी सकते थे। हम तूने छीने मेरे दिन साले। ए, तुझे याद है? एक बार मेरे घर पे हम लोग मेरे बाप के बाथरूम में छुप के सिगरेट पी रहे थे और अचानक पापा आ गए। पापा, दरवाजा खोल, अंदर क्या कर?
अब्बास दरवाजा खोलो, अब्बास अब्बास दरवाजा खोल, अब्बास दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हैं तुम? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे बाबा। देख बेटा, मुझे पता है कि तुम बड़े हो रहे हो और क्यूरियस भी हो, पर बेटा ये जो सेक्स होता है ना, ये दरअसल एक आदमी और एक औरत। लेकिन अंकल, लेकिन तू मुझे मत बोल। सब पापा लोग सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पी रहे? मैं जानता था मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता, और मेरे बेटे का दोस्त भी नहीं। आजा। क्या दिन थे यार, कितना मजा आता था, कोई रुक दो। तुझे देखकर तरस आता है क्या? हाल देखा अपना, वो अब्बास और ये टायर से पूरी हवा निकल गई है, शादी के बाद बदल गया है। मैं सिगरेट पीऊंगा। क्या? चाहे कुछ हो जाए। क्या तू पागल हो गया क्या? देखता हूँ कहाँ तक नजर रखता है मुझ पर। क्यों? साला देख, मैं सिगरेट पीऊंगा। कीप कीप मत करना के। नेट पर हूँ, सोने जा रही हूँ। मेरा ई बैंकिंग पासवर्ड है ना तुम्हारे पास? हाँ। खोलो। मैंने आज एक चेक इश्यू किया था, 21,11,110। वो क्लियर हो गया है एक दिन में? यहाँ विड्रॉल दिखा रहा है। क्या हुआ सर? गुड नाइट। सर आप जा कर रहे हो? सर मुझे नहीं पता। आप जा क्यों रहे हो सर? Do you smoke up? Oop diri. I'm sorry, I never looked. Do you smoke? I sweat. मुझे यहाँ से जो भी फ्लाइट्स जहाँ भी जाती है सब पर बुक करो, हर डेस्टिनेशन से हर डेस्टिनेशन पर। Am I clear? बाकी का क्या करूं सर? फेंक दो। ओके, फेंक दिया। जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से जो भी फ्लाइट्स जहाँ भी जाती है उस पर भी बुक करो, हर डेस्टिनेशन से हर डेस्टिनेशन पर, और सारे टिकट्स अलग 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 बॉक्सेस में। जैसे कि यहाँ से सारे टिकट्स यहाँ के बॉक्स में, उसके ऊपर लिखना, और वहां पर एक आदमी होना चाहिए जो उतरते ही मुझे मिले और वो बॉक्स दे। Am I clear, Annie? मतलब कि जब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूं तो उस हिटलर की औलाद को कैसे पता चलेगा?
मना किया था ना तुम्हें? मेरा भाई कहाँ है? उसे जाने दो, उसे जाने दो। लुक एट मी, उसे जाने दो वरना हट। रोटे मैं रोटा क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे भाई को, उसे जाने दो। मुझे वहां नहीं जाना है, प्लीज मेरी बात के लिए मानते हो? पैसे लो, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो छोड़ो प्लीज। नॉट अगेन। जीवित है तुम्हारा भाई? जाने दो उसे। कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। कौन सी कीमत? इक्कीस लाख ग्यारह हजार एक सौ दस। फिर से? जुर्माना। और वो सजा? और मेरा भाई? हेलो, हेलो, ये तुम्हारा भाई मिल गया। हाँ, उसे सांस लेने में जरा तकलीफ हो रही है इसलिए वेंटिलेटर पर लगाया है। जे, हाउ यू? जाओ यहां से। रॉस, चल। और अगली बार ऐसी गलती करना मत। वो बच्ची तो हाँ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तू चल चल यहां से। ये ऑफिस आज से नो स्मोकिंग ऑफिस है, चारों तरफ नो स्मोकिंग साइन लगा दो। सारे आश्रय सब बाहर फेंकवा दो। बालकनी में भी कोई सिगरेट नहीं पिएगा, ना बाथरूम में, ना लंच टाइम में, ना अंदर ना बाहर। और अगर किसी को पीना हो तो नौकरी छोड़कर जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं नहीं पी सकता हूं। तो आप किसी को पीने नहीं देंगे? नहीं। No, that's anarchy. Hey, I want to tell you about this thing. This stick called a cigarette. फिर तलब तलब है तलब तलब बेसबब बेसबब फिर तलब है तलब। शाम होने लगी है, शाम होने लगी, लाल होने लगी है, लाल होने लगी। सिगरेट जलती है मैं जलता हूँ। स्मोकिंग आग
पे पाँव पड़ता है, कम वक्त धुएं में चलता हूँ। जब भी सिगरेट जलती है मैं जलता हूँ। फिर किसी ने जलाई एक दिया सदाई, फिर किसी ने जलाई एक दिया सदाई, आसमां जल उठा है शाम ने राख उड़ाई। उपले जैसा सुलगता हूँ, कम वक्त धुएं में जलता हूँ। सिलने लगे हैं, प्यास उधड़ी हुई है, होंठ छिलने लगे हैं, शाम होने लगी है, शाम होने लगी, ओ लाल होने लगी है, लाल होने लगे। कड़वा है धुआं जो निगलता हूँ, कम वक्त धुएं में जलता हूँ। जब भी सिगरेट जलती है मैं जलता हूँ। आग पे पाँव पड़ता है, कम वक्त धुएं में चलता हूँ। I'm burning for you, baby. जब भी सिगरेट जलती है मैं जलता हूँ। Hello? Hey, okay, yeah. Alex? Muchas gracias, mi amore. Tu kahan se phone kar raha hai? La mumma! I'm back. Back with the bang. Sorry. Bong. Piega? Maine cigarette peena chhod diya hai. Tu pagal ho gaya? Pee re. Nahi hai. Kya mazak kar raha hai? Mujhe dekh kar lagta ki main mazak karta hu. तू बदल गया है, लेकिन डर मत, मैं आ गया हूँ। और पता है मैं क्यों आया हूँ? सारा, मैं क्यों आया हूँ? What? सारा, मैं क्यों आया हूँ? What? पूछता, go back to Cuba. From Havana. वहाँ से इंपोर्ट करूँगा या बेचूँगा? Infidel castrated. Infidel. वहां कुबा में मैं कास्त्रो दादा के शरण में गया था। वहां पे एक थ्री स्टार होटल में मैंने एक कमरा ले रखा था।
पहले दिन बिस्तर पे लेटा था। होटल 3 स्टार का था, जिसमें से 2 तो छत में से दिख रहे थे। मैंने बिस्तर पे खड़े होके उंगली डाली दोनों छेद में। उंगली छोटी थी तो मैंने नीचे देखा, एस्ट्रे में सिगार 2 पड़े थे। मैंने उनको डाल दिया छेद में। फिर मैंने अपना धंधा शुरू कर दिया सिगार का। फिर वहां पे स्मोकिंग बान हुआ और मैंने सोचा अब क्या करूंगा। सारा बोली, इंडिया छाड़ो मेरी बत्ती गुल। इंडिया जाके करूंगा क्या मैं? कसम से यार, मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत न्यूटन की तरह है। छेद में से वो सिगार मेरे सर पे गिरा और मैंने सोचा अब कुबा में जो कर रहा था वही यहां पे करूंगा। बीड़ी जलाए ले के विशाल देश में सिगार गुलजार। अभी देर स्पेलिंग मिस्टेक है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फ्रेंड्स, एक आदमी है जिसने मुझे मेरा पहला सिगार सुंघाया था। चलो के लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड के, जस्ट के फॉर क्लिंटन यार, द ट्रू ब्लू सिगार एफिशिएनाडो। Hey K, great. Come on, let's have K. Come on. Come K. मैं इसे सिर्फ खोलूंगा, जलाऊंगा नहीं। मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। क्यों? क्यों? सच में? सिर्फ खोलूंगा। Come on, let's have it. Ladies and gentlemen, infidel castrated with a correct spelling. मुंह से लगाया? नहीं यार। नहीं, जलाना मत यार, मुंह से लगा तो सही। नहीं बोल रहा हूँ ना। Come on, let's have a smoke. Let's have a smoke. Yeah, just a little smoke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैंने नहीं किया। क्या नहीं किया? आई डिडंट डू इट। एग्जैक्टली, व्हाट डिड यू नॉट डू? आप कौन बोल रहे हैं? आपने क्या नहीं किया? आप कौन बोल रहे हैं? ACP बिरसा दास गुप्ता। तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी का फोन आया था। जब हम यहाँ पहुंचे चीजें अस्त व्यस्त थी, दीवारों पे खून है और तुम्हारी पत्नी नादारद है। मेरी वाइफ मेरे साथ है, अंजलि मेरे साथ है। वो क्यों फोन करके आपको बुलाएगी? आप सही घर में तो है। आपकी वाइफ आपके साथ है? अंजलि मेरे साथ है। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? सब ढूंढ रहा हूँ उसे। अंजलि, अंजलि बेबी, मैं घर आ रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर के। व्हाट? जस्ट के, ये सब किसने किया? वही पता करना है। आपकी मिसेज गायब हो गई। वो आपके साथ थी? मेरे साथ थी, अब नहीं है, गायब हो गई। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता है? क्या मैं देख सकता हूँ ऊपर क्या हो रहा है? दिस इज माई होम, यू नो। लिफ्ट कर दो। कुछ कहना है आपको? हाँ, मुझे पता है किसने किया। किसने? बाबा बंगाली। कौन बाबा बंगाली? वो घुरु घंटाल, बाबा बंगाली, कटर का कीड़ा, हिटलर का भक्त,
जेनेटिक मिस्टेक, प्रयोगशाला चलाता है। प्रयोगशाला? ये सिगार क्यों पी रहे हो? जो पसंद है। किसने भेजा आपको? प्रयोगशाला क्या है? मैं बात कर रहा था। हेलो प्रयोगशाला, मैं आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? बाबा बंगाली से बात कर रहा हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं? के लंबैया। हाँ जनाब, आदाब। हम अभी अभी अंजलि जी को यहाँ लेकर आए हैं, वो गुरुजी के साथ मॉल में हैं, मैं अभी बात कराती हूँ। गुरुजी को अंजलि को क्यों उठाया तुमने? तुमको नियम पता है बेटा। क्या नियम? मैंने सिगरेट नहीं पी। तो कितने को पीना कहते और कितने को नहीं, वो तो हम ही तय करेंगे ना। पहली बात, मैंने सिगरेट नहीं पी, वो एलेक्स ने जबरदस्ती मेरे मुंह में लगाई। तो तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात, अगर तुम्हारी नजर में वो सिगरेट पीना था तो मेरी उंगलियां काटनी चाहिए थी अंजलि को, नहीं। वो तीसरी बार की सजा थी। तुम्हारी उंगलियां किसी और ने थाम रखी थी। एग्जैक्टली, क्योंकि जबरदस्ती मुझे सिगार पिलाया गया, मेरे मुंह में ठूसा गया, लेकिन जलने से पहले मैंने उसे थूक दिया था। जलने के उपरांत, जलने के पश्चात। कौन सा डब्बा है? अंपायर तो बेटा मैं ही हूँ। उंगली तो मैं ही उठाऊंगा। मैं दोबारा चेक करो। चलो ठीक है, चेक करके देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। क्या हो रहा है? चेक कर रहे। क्या चेक कर रहे हैं? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा आगे ले। अबे थोड़ा लेना आगे। बस उस दिन गुरुजी भूत पिशाच निकलने आवे महावीर जब नाम से बताए। क्या हुआ? गुरुजी उस सही कर रहा है। कहा? मैं गुरुजी उसके मुंह से सुनने मेरे नहीं। हम वो सही कह रहा है मतलब गलती हमारी थी। डाल दो इसे। गुरुजी नहीं, गुरुजी हमें क्षमा कर दे। गुरुजी हम ब्लाइंड हो गए थे। गुरुजी बेटे मुश्किल घड़ी थी, चल पड़ी थी। चौरसिया तो छोटा आदमी है ना, और छोटे लोग कभी कभी छोटी गलतियां कर देते हैं। लेकिन शक का फायदा तो मैं अपने आप को ही दूंगा ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उन्हीं को कौन टाल सकता है? अंजलि को छोड़ दो। जाने दिया, भेज दिया, मरणोपरांत सब परीक्षा भी हो चुकी। पोस्टमार्टम इज फिनिश्ड। वो मेरा कैश का एक रुपया। यहाँ पुलिस मुझे पकड़ने आई है, मारा उसे आपने, नुकसान मेरा हुआ, आपको एक रुपए की फिक्र है? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम बोलो क्या बोलते हो। बताओ उनको क्या हुआ। हेलो, क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? गुरुजी, एलेक्स। एलेक्स नहीं, गुरुजी। कहाँ गया? अभी तो आपके सामने बात कर रहा था, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आई कॉल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ यू। फिर से डायल करता हूँ। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया नंबर जांच लें। ये कैसे हो सकता? वो गुरुजी साला हिटलर की औलाद। इट्स ओके मिस्टर जस्टके, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मुझे देखकर लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। कम ऑन, एक सेकंड, एक और प्रूफ। हेलो अब्बास, कहाँ है तू? यार सुना मैंने, बड़ा दुख हुआ सुनकर। क्या सुनकर? तुझे कैसे पता? वो बुलेटिन आया ना सामने बैठा। तो यहाँ ना, इनको बता
या कोई मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा है। मैं वहां हूं, ठीक है मैं आता हूं अभी। वो आ रहा है। वो कौन है? वो मेरा दोस्त है, वो भी इस गुरुजी के चक्कर में अपनी दोनों उंगलियां गवा चुका है। ये गुरुजी कौन है? You know, I used to smoke a lot. ये स्मोकिंग छोड़ना चाहता है? जी छुड़वा देंगे। थैंक गॉड तू आ गया अब्बास। बताना इनको प्रयोगशाला के बारे में। बोला क्या बोलूं के? बाबा बंगाली के बारे में। कौन बाबा बंगाली के? अब्बास क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तूने मुझे फंसाया साले, तूने मुझे फंसाया। ग्लव्स दिखा। कौन से ग्लव्स? क्या उंगलियां दिखा? के व्हाट आर यू डूइंग? के स्टॉप इट, वन सेक। ग्लव्स कौन सी? उंगलियां दिखा। के स्टॉप इट, के स्टॉप। ये लो देख लो के। ओके हियर, ओके। ये क्या कर रहा है मेरे साथ? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूँ? बंद रख समझो, कुछ मत बोल वरना तेरी जिंदगी ऐसा बुरा सपना बन जाएगी तुझे समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। टेक केयर के, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके बाय। उनको रोको ना साहब, मैं 20 साल से यहाँ हूँ, नीचे कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ उसके नीचे सीढ़ियाँ है जो धारावी जैसे जगह में खुलती है, उस बुरखे वाली के घर में। होश आ गया? बेहोश आप लोग हो? सबूत चाहिए आपको? मेरा फोन कहाँ है? और सिगरेट भी? ब्लैक लेबल नहीं मंगाऊ तेरे लिए? यही एक तरीका है, मैं प्रोग्राम में अभी भी मैं सिगरेट पीऊंगा और फोन आएगा। मैं इसे जलाऊंगा और फोन बजेगा और कोई है जो बोलेगा मेरा भाई गायब हो गया। कश लगा जिंदगी के कश लगा, हसरतों की राख उड़ा। ये जहान फानी है, बुलबुला है पानी है, बुलबुलों पे रुकना क्या, पानियों पे बहता जा कश लगा। जलती है तन्हाइयां, तापी है रात रात जाग जाग के, उड़ती है चिंगारियां, गुच्छे हैं लाल लाल गीली आग के। हाँ खिलती है जैसे जलते जुगनू हो बेरियों में, आंखें लगी हो जैसे उपलों की ढेरियों में। दो दिन का आग है ये सारे जहां का धुआं, दो दिन की जिंदगी में दोनों जहां का घुमा है। ये जहां फानी है, बुलबुला है पानी है, बुलबुलों पे रुकना क्या, पानियों पे बहता जा कश लगा।
हेलो क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने आत्महत्या कर ली। उसका मर्डर हुआ है तुम्हारी वजह से। यू आर अक्यूज्ड। वी आर सॉरी। नो नो डोंट जस्ट बी सॉरी। तुम्हें विश्वास नहीं था ना मेरे सिगरेट पीने की वजह से उसने आत्महत्या की और मुझे सिगरेट पीने को मजबूर आपने किया। चल तुम्हारे भाई के जेब से सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने तुमको अपने नॉन एग्जिस्टेंट रंग का जिम्मेदार ठहराया है और तुम्हारे सिगरेट पीने की आदत को दोषी ठहराता है। उसको हिंदी लिखने नहीं आती है। वो जर्मनी में रहता है। जर्मन बोलता है, जर्मन लिखता है। तुम उससे बात कैसे करते हो थे? हा? तुम उससे बात कैसे करते थे? क्या तू उससे बात कैसे करता था? मेरी माँ जर्मन एम्बेसी में ट्रांसलेटर थी। है तो कहता हूँ नाटक कर रहा है ये। तो रिमांड पे लेते हैं। चार घंटे में क्या कहाँ क्यों कब और कैसे सब बोलेगा। ओके या पानी भरा हुआ है। मुंबई में पानी नहीं भरेगा तो और कहाँ भरेगा? राजस्थान में। हेलो यहाँ पानी भरा हुआ है यार। हेलो क्रिया में कोई मुझे यहां से बाहर निकालो। इसलिए बनी आओ जंगल में बहता धुआं पीले पीले से जंगल में बहता धुआं जा रहे साल के आखिरी मिनट और आने वाले साल के पहले मिनट के बीच के समय को जीरो मिनट कहा जाता है। हर व्यक्ति जो इस प्रोग्राम में है वो नियुक्त जगह पर जीरो मिनट में धूम्रपान कर सकता है। धुआं धुआं नम है सारी बत्तियां घूंट घूंट जल रहा हूं पी रहा हूं पत्तियां आंखें हैं धुआं धुआं नम है सारी बत्तियां आस पास कुछ नहीं जी उदास है जरा दर्द सब्ज है अभी मुझको रास है जरा तो फूंक दे रे
फूंक दे, हवास फूंक दे, के सांस से सिला हुआ लिबास फूंक दे, फूंक 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 दे रे, फूंक 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 दे रे। सर चढ़ी है खुमारी और जमी डोलती है, हो बेजुबा दास्ता ये रात भर बोलती है, लपे जल रही है फूंकों से रात की ये राग, भूख दे भूख दे ये राग, भूख भूख दे ये राग, भूख भूख दे वो बात, भूख भूख दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and जब नशा टूटता है कितने टुकड़े गिरे होश चुनने लगे हम, हम भी क्या सर गिरे सपना देख रहा हूँ शायद। तुमने क्यों पूछा मैं जिंदा हूँ? На пресс-конференции, на которой он заявил. На другой вы. Тумне кю пуча мэ зинда. Мы Катюш. Я вот сапна, что мне आता था जब मैं नहाने जा रहा था और तब मैं सो जा रहा था। के तुम क्या बोल रहे हो? मेरा सपना। कहां हो तुम? तुमने यहां कैसे फोन किया? तुम्हारी ऑफिस से नंबर मिला। कैसे? के आई एम योर वाइफ, आई एम योर सेक्रेटरी। रिमेंबर तुम नहीं चाहते थे कि ऑफिस में किसी को पता चले। मैं तुम्हारी पत्नी भी हूं। यू लाइक दैट दे गॉसिप अबाउट अस। तुम क्या बकवास कर रही हो? माय सेक्रेटरी गॉट मैरिड टू यू के। प्लीज क्या हो गया तुम्हें? आई थिंक आई एम हैविंग अ नाइटमेयर। आई नीड अ सिगरेट। आई कांट टेक दिस एनीमोर। आई वुड रादर दैट गुरुजी किल मी। मैं सिगरेट पीऊंगा तो मुझे मार देगा, मैं सिगरेट जलाऊंगा तो भी मार देगा। मैं फोन करता हूं। लेकिन वो बात का बीच में उसने क्या करा है? पता नहीं। अगर किसी दिन तुम सिगरेट की पैकेट के बजाय उसमें कूद जाओ
शायद गलत जगह पर आ गया हूं। मुझे बाथटब से निकलना था। ये कबाड़ से निकला है, ये अलमारी से, और मैं बिस्तर के नीचे से निकलता हूं। उन्होंने कहा आज हमें नहलाएंगे। चलो चलो, ये वो नहीं है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। तुम्हारा शरीर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम चाहो तो इस फोन से बात कर सकते हो, इसमें 1 रुपए का कॉइन डालना पड़ता है। तुम भी 1 रुपया देना भूल गए, मैं भी। के ये बोल रहे कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा था। वो आपकी आवाज थी, आपकी अंदर की आवाज, अंतरात्मा। अंतरात्मा स्मोक। आत्मा, अंतर आत्मा, ये चंचल होती है, धोखी होती है। अगर मन मजबूत है तो आत्मा पे काबू पा सकते हो, यदि मन कमजोर है तो ये बेकाबू आत्मा को फिर झाड़ फूंक कर मुक्त करना पड़ता है, लाजमी है। नहाने का टाइम हो गया। Okay.
ये नया पंछी आया। क्या हो रहा है? फंसेगा। काला कोट वाला है। ये भी आने इसका भी सूट उतरने वाला है। ये लोग कौन है? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये भी अंदर आए। आइए। हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैडम, खिड़की से दूर हो जाइए। खिड़की से दूर। जिन जिन लोगों ने पूरे पैसे भरे हैं उनको नहाने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग कृपया कतार में खड़े हो जाएं। चलो यहाँ फिर से जाना, ये तो वही जगह है। ये पलंग मालूम नहीं कहाँ से आया है। ये मेरा बेड है। ये मेरा टेबल। ये कुर्सी भी तेरी होगी? नहीं, टेबल मेरा। मैं खुद इधर आता था। मेरा नाम है। हाँ, पहली बार मुझे भी समझ में नहीं आया था। मैं हमेशा यहीं से निकलता था। मैं भी। रुकिए मत, चलते रहिए। क्या करें? क्या करें सर, अटक कर रहा है ये। मैं तो कहता हूँ तो रिमांड पे लेते हैं। 4 घंटे में क्या, कहाँ, क्यों, कब और कैसे सब बोलेगा। ओके। लेकिन ये वही पुलिस वाला। आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो शरीर नश्वर है। मतलब चलिए। बहुत से आधे बुझे हुए दिन पड़े हैं इसमें। इस हमारी प्रयोगशाला में ये हमारी जिम्मेदारी है, है? कि तुम्हारी इस सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा को, तुम्हारी इस गैर जिम्मेदाराना आदत को संपूर्ण रूप से खत्म कर दें। बहुत से आधे बुझे हुए दिन पड़े हैं इसमें। और अगर हम हमारी कोशिशों में चूके और तुम्हारा इलाज करने में असफल रहे तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है जिस पर कोई भी चलना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि बेटा, आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो नश्वर है। खत्म। सबको सूचित किया जाता है कि अगले 2 मिनट में हमाम में पहुंचिए, दरवाजा खुलने वाला है। ये ऐश्रे भरती जा रही है। सुरख टुकड़े हैं कुछ तलब के, सुलग रहे हैं, सुलग रहे हैं। ये ऐश्रे भरती जा रही है। धुआं लिपटता है, लिपटता है बाजीगर की तरह। वो मेरा 1 रुपया जो मैं कैश में लेता हूँ। 1 रुपया दे दो ना उन्हें। मुझे नहीं, मैं उनसे ही लूंगा। ये भी उन्हीं का है ना, बात चलेंगे। थैंक यू। ये उधार आपकी अंतरात्मा को भारी पड़ेगा। हाँ जी, उनको नहला दीजिए। ये ऐश्रे भरती जा रही है। Yeah.
हाथ डालो ना हाथ डालो, के वक्त से छीले हुए लम्हों की राख गर्म है, वक्त से छीले हुए लम्हों की राख गर्म है, उंगलियां जलेंगी ये ऐश्ट्रे पूरी भर गई है। फुलप्रूफ प्रोग्राम है, मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने मेरी सिगरेट छुड़वाई, अब्बास की भी छुड़वाई थी। तू जाके तो देख, चाहिए तो मैं तेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। अरे किस बात का इनकन्वीनियंस यार, दोस्त होते किस लिए। Mind game, blinding flash, I see the party, I wanna gate crash, but it's not always easy. They never know till they see that look in your eyes. You wanna fly, you wanna die, but you can't even get by without one breath of death. The breath of death is the breath of death. The breath of death. Look at that.
Look, look, look.